टीके आर्ट्स एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी ये जो रेडीमेड पैच होता है उसको हम शर्ट के ऊपर कैसे लगाते हैं। ये बाजार से रेडीमेड मिल जाता है। ये देखिए, ये मैंने पैच लिया है और ये मेरा कुर्ती का पीस है, हमारा ये शर्ट का पीस है। इस शर्ट का मैंने सेंटर ले लिया है, ये सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे। ऐसे सेंटर में हम निशान लगा लेंगे, जितना बड़ा हमारा गला है, ये पैच का गला है, उतना बड़ा हम निशान लगा लेंगे और पैच को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए, हम पैच का भी सेंटर निकाल लेंगे। ऐसे हम पैच का भी सेंटर लगा लेंगे, ऐसे जहां तक हमारा गला आता है यहां पर पैच का भी हम यहां पर ऐसे पूरा निशान लगा लेंगे और बिल्कुल इसके साथ, लाइन के साथ साथ इस पैच को ऐसे हम सेट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जहां तक हमारा ये पैच है यहां तक यहां तक हम पूरा निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद इसको हम यहां से सीधा कर लेंगे। निशान हम इसलिए लगाएंगे ताकि ये जो हमारा गला है वो टेढ़ा ना आए, बिल्कुल सीधा आए। ऐसे रखने के बाद हम यहाँ पर मशीन से थोड़ा कच्चा सा टांका लगा देंगे सेंटर में, यहाँ मशीन पर हम थोड़ा मशीन से सेंटर में कच्चा टांका लगा देंगे ताकि जब हम पैच लगाएंगे तो ये हमारा हिले ना, और बिल्कुल सेंटर में लगा देंगे। बाद में हम इस सिलाई को खोल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, इसको हम सेटिंग ऐसे, इसके गले को ऐसे सेट करने के बाद हम जो ये हमारा सूट का कलर है उस कलर की रील लगाएंगे और जो हमारे ये फूल हैं उसकी आउटलाइन हम, ये जो हमारी ये इसकी आउटलाइन सिर्फ हम इस कलर से करेंगे। जिस कलर का हमारा सूट है उसी कलर की हमको रील लेनी है। जैसे ये हमारे सूट का कलर है तो हमारी रील भी इसी कलर की होनी चाहिए, पैच के कलर की नहीं होनी चाहिए, सूट के कलर की होनी चाहिए। ये देखिए, यहां से हम शुरू करेंगे। और इसको हम एक नंबर टांके, दो नंबर से करेंगे। पैच वर्क के हम यहाँ बीच बीच में भी सिलाई कर सकते हैं, कढ़ाई की तरह कर सकते हैं, जिससे ये हमारा पैच जो पक्का लग जाएगा।
ऐसा लगाने से पक्की तरह लग जाएगा, चाहे आप इसको जैसे मर्जी धोएं और जैसे मर्जी प्रेस करें। आप चाहें तो ये यहाँ पर जो गले की आउटलाइन है यहाँ पर भी एक लाइन दे सकते हैं। यहाँ नीचे भी हम इसी तरह सारी आउटलाइन करेंगे एक नंबर से। उसके बाद आप यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पक्का कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से काट लिया और इसको ये देखिए यहाँ से ऐसे ऊपर करके और बड़े ध्यान से काटना है ताकि नीचे से ये जो हमारा सूट का कपड़ा ना कट जाए। ये देखिए इसको हम थोड़ा सा आप अच्छे से देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा खींचेंगे यहाँ से और इसको ब्लेड से यहाँ से काटते जाएंगे। इसको बड़े ध्यान से काटेंगे ताकि हमारा सूट ना कट जाए नीचे से। इस ब्लेड से हम अच्छी तरह काट लेंगे। चाहे तो आपके पास अगर छोटी कैंची है तो आप छोटी कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इससे ही काटती हूँ, इससे बहुत अच्छी कटिंग होती है। इस तरह आप अगर ऐसे ऊपर करके ये वाला जो कपड़ा है पैच का ये ऐसे ऊपर करके खींच के काटेंगे तो आपका नीचे से कपड़ा कटने का डर नहीं होगा। ऐसे इस तरह इस तरफ कपड़ा रखिए और ये देखिए ऐसे कटिंग कर। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पैच वाला गला जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है और कटिंग के बाद देखो ये ऐसे लग रहा है। आप इस तरह किसी भी पैच को पुरानी साड़ी या सूट से कहीं पर भी पैच उतार कर आप नए कपड़े पर लगा के उसको नया सूट बना सकते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स करके बताइए आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी।